ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। नया दिन, नई शुरुआत हर रोज़ होती है। आज एक नए महीने की शुरुआत है, नई तारीख, नया महीना। तो आइए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें और अच्छे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, किसी के काम आने के लिए और अपने जीवन को अति सुंदर बनाने के लिए बाबा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि जब बाबा को अपने भक्त से कोई सेवा लेनी होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से ले ही लेते हैं। बाबा को जो करवाना होता है वो करवा ही लेते हैं। तो और जो कार्य बाबा हमसे करवाते हैं उससे बेहतर और हो ही क्या सकता है। और जब बाबा ने हमें चुना है प्रार्थना करने के लिए, इससे भी बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके विचारों में किसी की भलाई होती है, आपके विचारों में किसी का सुख होता है, आप किसी के सुख की कल्पना करते हो। और ये किसी बड़ी सेवा से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है। जब आप किसी के सुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, आप किसी की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, अत्यधिक उत्तम कार्य है और बहुत ही अच्छा कार्य है ये। क्योंकि ये भी हम भाग्यशाली हैं तभी कर पा रहे हैं, बाबा का सान्निध्य हमें प्राप्त है इसीलिए हम कर पा रहे हैं। नहीं तो सोचते तो सब हैं लेकिन करना वही कर पाता है जो मालिक का बच्चा होता है, जिससे भगवान स्वयं वो सेवा लेते हैं। कहते हैं ना कि कोई किसी का दिया नहीं खाता, सभी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं, फिर वो चाहे अच्छे हों या बुरे। हम जिस प्रकार के कर्म आज करते हैं उसका फल हमें आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा, लेकिन फल की आशा से नहीं, सेवा की आशा से कार्य करते हैं। आइए हमें जो करना है सेवा की भावना से करते हैं, ये सोच कर करते हैं कि बाबा बैठे हैं, बाबा हमसे जो करवाएंगे अच्छा ही कराएंगे। और बस हर रोज़ बाबा से सुबह उठकर यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में सबकी भलाई ही हो, कभी किसी की बुराई ना हो, कभी किसी का अहित ना हो, कभी किसी की बाबा निंदा ना करें, हम ना सुने, हर व्यक्ति के हर ज़िंदगी की खुशियों में शामिल हो सके। इतना आशीर्वाद देना, रहम नज़र करना और इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं और जो भी प्रार्थना कर रहे हैं फिर बाद में आकर इस प्रार्थना को सुनेंगे, उन सभी पर कृपा करना ताकि सबका जीवन बहुत ही खुशियों से भरपूर हो, सबकी ज़िंदगी में आपका आशीर्वाद हो और सभी सदा सुखी रहें। जिनको भी बाबा जो भी जिस प्रकार की समस्या है वो सारी समस्या का समाधान हो, सबकी लाइफ में खुशियाँ हो, सबका जीवन उज्जवल हो, सबके स्वास्थ्य को ठीक रखना, सबकी सेहत अच्छी हो। क्योंकि जब सेहत अच्छी होती है तो इंसान और अधिक कार्य को करने में सक्षम होता है। इसलिए बाबा सभी को इतना सक्षम बनाना कि सभी अच्छे कार्य करने में कोई देरी ना लगाएं, हमारे विचारों से भी अच्छा हो, हमारे कर्मों से भी अच्छा हो, हम जो करें अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन करें। पाने की आशा से ना करें, सेवा की आशा से करें। इतना सामर्थ्य देना और इतनी सद्बुद्धि देना, इतना ज्ञान देना कि हम सोचें भी अच्छा और करें भी अच्छा। और जो गलतियां हुई हैं उसके लिए बाबा से क्षमा याचना करें कि हे प्रभु हमें माफ़ करना। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो बाबा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आपने जो दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये नई सुबह, ये नया दिन, ये नया वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस वक्त को इतनी खूबसूरती से सजाएंगे कि जब ये वक्त पीछे चला जाएगा ना तो हम याद करेंगे हमने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। इस समय को याद करके हम रोएंगे नहीं, इस समय को याद करके हम खुश होंगे कि बाबा ने हमें अच्छे समय पर संभाल लिया। तो चलिए अब हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम हैं बच्चा हर्षित, संजय कुमार जी, सुवेंदु घोष जी, आलोक जी, श्रेष्ठा जी, मानसी जी, अंजलि पुरी जी, पलक सिंह जी, रजिया सुल्तान जी, नीलम जी, अशोक कुमार पांडला जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर रहम नज़र करना,
सबके घर आंगन में खुशियाँ हों, सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो, आपके आशीर्वाद सभी पर बना रहे, आपकी कृपा सब पर बरसती रहे और सबकी जीवन में जो भी समस्या है उसका समाधान होकर सबके जीवन में खुशियों का आगमन हुआ। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। जिनकी सेहत अच्छी नहीं है उनकी सेहत अच्छी हो जाए, जिनकी नौकरी नहीं है बाबा उन नौकरी मिल जाए, जो भी जिस प्रकार की जिसकी भी समस्या हो हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना से दिन शुरू करते हैं कि सबका दिन बेहद खूबसूरत हो और सभी के सपने साकार हों, सभी के सपने पूरे हों, सबकी इच्छा पूरी हो, सबकी मन्नत पूरी हो और सबके हर कार्य में आप सबका साथ देना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम बाबा से इसलिए नहीं कहते कि बाबा हमारी सुनेंगे, हम बाबा से इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें अपने बाबा पर विश्वास है, हमें अपनी श्रद्धा पर विश्वास है और अच्छे कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए, कर देने चाहिए। और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अशोक कुमार पांडा जी की और मौसमी पांडा जी की मैरिज एनिवर्सरी कल थी तो हम विश नहीं कर पाए थे, मालिक उन दोनों को सदा खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। मौसमी जी एंड अशोक जी को इस शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा जी आप दोनों को सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आप दोनों का जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सदा सुखी रहें। और एक बच्चा है वंश गोयल, बाबा बच्चे वंश पर कृपा करना, उसकी सेहत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, बच्चा स्वस्थ हो जाए और मालिक उस पर कृपा करे कि वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत अच्छा कुछ करे, अपने माता पिता का, अपनी पूरी फैमिली का नाम रोशन करे और बच्चा जल्दी से स्वस्थ होकर बाबा आपका आशीर्वाद प्राप्त हो बच्चे को। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए प्रार्थना को कंप्लीट करने के लिए, प्रार्थना को संपूर्ण करने के लिए, आज के दिन को शुरू करने के लिए हम अपने साईं के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। बाबा हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे, श्रद्धा पर विश्वास रखना, आगे बाबा संभाल लेंगे। आइए हम सभी मिलकर बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। देवा सब पर रहम नज़र करें, सभी पर कृपा करें, सबकी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए दिन शुरू करते हैं, आगे साईं संभाल लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।